एक बार फिर से सुशांत नमाता ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आज का ब्लॉग वीडियो विशेषकर कुटी स्थित अम्बेसर धाम या अम्बेसर मंदिर के बारे में आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये रांची से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित आपका खूंटी जिला से 7 किलोमीटर दूर खूंटी तोरपार नेशनल हाईवे 20 पे स्थित है। यहाँ जाने के लिए बहुत ही अच्छा सुंदर रास्ता है। रांची से एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है, आप करीब करीब एक घंटा में पहुँच जा सकते हैं यहाँ पर। और ये अम्बेसर धाम मंदिर का बहुत सारा प्रचलन है। यहाँ पर बोला जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग निकला था। अम्बेसर धाम मंदिर का एक भी कहावत है कि ये आम का जड़ कण से निकला था बोल के इसका अम्बेसर धाम नाम पड़ा है। तो चलिए चलते देखिए, हम लोग पहुँचने वाले हैं अम्बेसर धाम मंदिर या अम्बेसर धाम। ये कुछ देर में यहाँ से हम लोग पहुँचने वाले ये रास्ता में। ये अभी देख रहे हैं अम्बेसर धाम का मेन गेट है। कोरोना काल के चलते अभी झारखंड सरकार का ये से बंद है सारे मंदिर यहाँ का झारखंड में। तो ये देख रहे हैं, मैं दूर से आप लोग का फोटोग्राफी करके दिखा रहा हूँ, वीडियोग्राफी कर रहा हूँ साथ में। ये देखिए मेन ये मंदिर बना हुआ 50-60 साल पुराना पहले, लेकिन इसका जो स्वयंभू लिंग जो निकला है ये अज्ञात नहीं है। कभी कभी कोई बोलता कि 200-300 साल पुराना ये मंदिर है या ये शिवलिंग है, लेकिन अभी ये अज्ञात है कितना साल पुराना है। लेकिन ये जो मंदिर आप लोग को दिखा रहा हूँ ये 50-60 साल पहले बनाया गया था। और उस मंदिर का प्रांगण में बहुत सारा देवी देवताओं का मंदिर और भी है, बहुत सुंदर है। इस मंदिर का ये गुंबदनुमा एक यहाँ का सिंबल बना हुआ है इस मंदिर का, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ऊँचा ये गुंबदनुमा है एक अम्बेसर धाम के बना हुआ है। ये देखिए, मैं दूर से आपको वीडियोग्राफी करके दिखा रहा हूँ मंदिर। सामने से मेरे ड्राइवर सोरेन जी फोटो ले रहे हैं। ये बहुत ही देखिए आसपास में मंदिर प्रांगण में भिन्न भिन्न देवी देवताओं का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ अंदर जाने का अभी अलाव नहीं है या पूजा करने का अभी अलाव नहीं है झारखंड गवर्नमेंट का तरफ से, लेकिन आशा करता हूँ कि कुछ दिन बाद ये मंदिर सारे खुलेंगे और हम जैसे सारे शिव भक्तों को यहाँ आके पूजा करने का अवसर मिलेगा। मैं पीछे की तरफ से जाके आप लोग को स्वयंभू अम्बेसर धाम अम्बेसर बाबा का ये आप लोग को वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखिए दूर से मैं कोशिश कर रहा हूँ लेने का, वीडियो लेने का। ये देखिए काला रंग का जो मूर्ति या जो है वो शिवलिंग अपना आप इसमें स्वयंभू लिंग है। यहाँ बोला जाता कि आम का नीचे का जड़ से निकला था बोल के इसका अम्बेसर मंदिर या अम्बेसर धाम से जाना जाता है। ये आसपास देख रहे हैं बहुत सारा भिन्न भिन्न देवी देवताओं का मूर्ति है। यहाँ सावन महीना में बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन अभी कोरोना काल का 2 साल में अभी कोई मेला वगैरह या कोई ऐसा आयोजन नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन आप अपना फैमिली फ्रेंड का साथ आके एक दिन यहाँ पर इस अम्बेसर धाम या स्वयंभू शिवलिंग को दर्शन या बाहर से देख सकते हैं, बहुत सुकून भरा होगा। जो भी शिव भक्त होंगे उसके लिए तो एक बहुत ही बड़ा ये है। आशा करता हूँ झारखंड गवर्नमेंट और जितने भी हमारे झारखंड के मंदिर मस्जिद या जो भी हैं पूजा स्थल या जो भी आपका है उनको खुलने का आदेश देंगे बहुत ही जल्दी। और ये देखिए सारा मंदिर प्रांतर का दृश्य, बहुत सारा इसमें मंदिर बना हुआ है ये अम्बेसर धाम में। लेकिन यही आपका मेन है जो काले रंग का जो स्वयंभू लिंग आप लोग देख रहे हैं बाबा का, इसी अम्बेसर धाम का मेन अट्रैक्शन या मुख्य ये मंदिर यही है। इसका आसपास में बहुत सारा देवी देवताओं का मंदिर बना हुआ है। ये देख रहे हैं, मैं दोबारा आप लोग को उस मंदिर का दिखा रहा हूँ। ये करीब करीब 50-60 साल पहले इस मंदिर को बनाया गया था। ये देख रही है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, एकदम शांत है, कोई आसपास का कोई इतना ये नहीं है। आपको यहाँ पर आने के लिए बहुत ही इजीली आप यहाँ पर आ सकते हैं, किसी को भी पूछ के आ सकते हैं। जो भी खूंटी से कम ये 7-8-9 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर स्थित है जो रांची तोरपा रोड पे। ये देखिए मैं स्वयंभू लिंग के आपको लोग फिर से एक बार दर्शन करा रहा हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लग रहा है। जो भी शिव भक्त हैं इसको अपना श्रद्धेय जो भी भगवान को आप लोग देख के खुशी हो रही है। देखिए पंडित पुजारी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात हुआ था मेरे कि अभी कोरोना काल में बहुत सारा आदमी आ नहीं पा रहे हैं या गाइडलाइन के चलते हम लोग मंदिर को खोल नहीं पा रहे। पूजा हम लोग खुद करते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं और किसी भी जो भक्तगण उनको आने का अलाव नहीं होने के कारण सब कुछ यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है।
ये देखिए, ये मंदिर का प्रांगण में भिन्न भिन्न दूसरे देवी देवताओं का जो मंदिर बना हुआ है। ये आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।